नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बदी अग्निकांड का छठा दिन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बदी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज 3:30 बजे पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। सेंट्रल फॉरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी भी कर रही है। तो ये बद्दी से आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। बद्दी अग्निकांड का छठवां दिन है और छठे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचने वाले हैं। 3:30 बजे का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री बद्दी के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 3:30 बजे पहुंचेंगे और यहां पर जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बिलासपुर बस अड्डे के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। एचआरटीसी बस की चपेट में एक युवक हादसे का शिकार हो गया है। मौत की खबर है एक व्यक्ति की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एचआरटीसी चालक के खिलाफ पूरा ये मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर में दर्दनाक हादसा देखा गया है। एचआरटीसी बस की चपेट में एक युवक आया है। एक हादसे में युवक की मौत हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे। एचआरटीसी चालक खिलाफ पूरा मामला ये दर्ज किया गया है। बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, बिलासपुर बस अड्डे के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एचआरटीसी बस की चपेट में एक युवक की मौत हो गई है। तो ये बेहद दुखद खबर से आपको रूबरू करा रहे। एचआरटीसी चालक के खिलाफ पूरा ये मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर बस अड्डे के पास का ये पूरा मामला और इस हादसे में एक व्यक्ति का यहां पर मौत हो गया है। आज प्रातः सरका घाट टीपू की बस जो सरका घाट से शिमला जा रही थी, जब वो बस अड्डा के पास, बिलासपुर बस अड्डा के पास जैसे ही वो चक्कर के पास पहुंची, वो चक्कर जो है वहां पर पहुंची, तो ये एक व्यक्ति जो ये पैदल चला था, जिसका नाम जो है ये रघुवीर सिंह पाया गया, वो उस बस की चपेट में आ गया और वो मौका पर ही उसकी मृत्यु बताई जा रही है। और जिसमें जो है जो बस चालक है एचआरटीसी के, उसके खिलाफ जो है मुकदमा थाना सदर में दर्ज कर दिया है और तफ्तीश की जा रही है। और जो मृतक है उसका जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बिलासपुर से सुभाष ठाकुर जुड़ चुके हैं। सुभाष, यहाँ पर दर्दनाक हादसा देखा गया है और एक व्यक्ति का यहाँ पर मौत भी हो गया है, क्या कुछ आगे का अपडेट? जी बिल्कुल, आज बुधवार सुबह एक बस स्टैंड के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति की पहचान रघुवीर बाईवर्षीय युवक की हुई है, जो जबड़ी थाने यहाँ पर जबड़ी एक नाम की जगह है, वहाँ कि उसकी पहचान हुई है। बताया जा, जो पुलिस से प्राप्त जानकारी जो मिली है, बताया जा रहा है कि सरका घाट से शिमला की और एचआरटीसी की एक बस जा रही थी। जैसे ही बिलासपुर के चौक के पास बस स्टैंड की और जैसे ही बस ने टर्न किया, तो अचानक व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया और उस टायर के नीचे आने से उसकी मौत हो गई है। वहीं पर चालक के द्वारा थाना में जाके सरेंडर कर लिया गया है, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई जारी है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए शव को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। सुबह से कितने बजे की घटना है? आज सुबह ये लगभग 7 बजे के आसपास ये घटना बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें ये भी पता चला है कि जो चालक ने बताया है कि धुंध होने की वजह से इस व्यक्ति को नहीं देख पाया था। बहुत शुक्रिया सुभाष ठाकुर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिलासपुर में यह दर्दनाक हादसा, बिलासपुर बस अड्डे के पास से दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एचआरटीसी बस की चपेट में एक युवक के आने से यहां पर मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी।
ऑनलाइन ट्रेनिंग से कमाई का सपना दिखाकर साइबर ठगों ने कांगड़ा और ऊना के दो लोगों से 40 लाख लूटकर अपना शिकार बना लिया है। ठगी के शिकार दोनों लोगों ने साइबर थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है। कांगड़ा के रहने वाली पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि अज्ञात छात्रियों ने उसे फोन कर ऑनलाइन ट्रेनिंग वेबसाइट का झांसा दिया था, फिर उसने घर बैठे पैसे कमाने के लालच में लाखों रुपए का निवेश कर दिया है। वही साइबर थाना धर्मशाला के एसपी प्रवीण धीमान ने बताया है कि पीड़ित लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों से ऐसे मामलों के बारे में जागरूक रहने की अपील की है। पिछले कल हमारे पास फ्रॉड के दो मामले आए थे, जिसमें से एक लगभग 30 लाख के करीब ठगी हुई थी और एक 10 लाख के करीब, जिसमें की जो 30 लाख की जो ठगी का मामला था वो फेक ट्रेडिंग ऐप का था और दूसरा जो मामला था वो जो गिफ्ट आना था उसे फॉरन से, उसमें जो कस्टमर सर्विसेज के तहत जो उसको एक ठगी का, इन मामलों में जो ऐसा कहा जाता है कि कस्टमर केयर में आपका जो गिफ्ट है वो फंसा हुआ है और उसे छुड़ाने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये दो मामले थे। इसके साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि एक तो डिजिटल लिटरेसी की कमी और एक लालच कि पैसे किस तरह जल्दी से जल्दी कमाए जाए, इस तरह के जो लुहावने और इस तरह के जो फेक ट्रेडिंग ऐप्स हैं इनसे बचें। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने के लिए सोलन में आवेदकों के ड्राइविंग टेस्ट लिए गए, जिसके लिए बसाल हेलीपैड पर ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिन भी आवेदकों ने टैक्सी योजना के लिए आवेदन किया था उनका ड्राइविंग टेस्ट लिया गया है और उनसे ड्राइविंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, जिसमें सभी आवेदकों की ओर से दिखाई गई स्किल की एक रिपोर्ट विभाग की ओर से बनाई जाएगी, जिसे विभाग की तरफ से सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद आगामी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो स्टार्टअप है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है, उसमें जो ई टैक्सी दी जानी है सभी डिपार्टमेंट्स को, जो सरकार की नीति है कि जितनी भी आगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गाड़ियां लगनी है वो सारी ई टैक्सी जो ईवी व्हीकल के माध्यम से लगनी है, उसके तहत सरकार जो 50% सब्सिडी इसमें दे रही है। तो हमारे पास